हाय वैभव, तो तुम कर लो इंट्रोडक्शन। तुम आवाज निकालो, मैं एक्शन करता हूँ। हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम। हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक। सो आई हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन माय चैनल। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव बीन आफ्टर हिम कि चैनल पर एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। इस बार जब हमारी 12th नवंबर को वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मैंने वैभव से बोला कि एज अ गिफ्ट तुम्हें मेरे चैनल पर आना पड़ेगा। देन ऑफ कोर्स आई फेल इल, एंड ठीक होते ही मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे पहले अपना गिफ्ट लूंगी। सो हियर वी आर, एंड आई थॉट कि कुछ फन क्वेश्चन आंसर ट्रिविया करते हैं, हैव सम फन टुगेदर होपफुली। ऑल्दो आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट वैभव, बट आई एम अ लिटिल नर्वस अबाउट हैविंग हिम ऑन द चैनल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं और वैभव ने भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। हम दोनों एक दूसरे से पूछेंगे एंड लेट्स सी कौन कितने सही जवाब देता है। सो वैभव, डू यू वॉन्ट टू से एनी थिंग? नहीं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। मार्क्स? ओके चलो, मैं क्वेश्चन पूछूँ या तुम पूछोगे मैं पहले? स्टार्ट करूँ? ठीक है। So, of all the annoying things that you do, which is the topmost annoying thing that you do on a daily basis? रुको, अभी मैंने नहीं लिखा। ओके, मैंने दो आंसर्स लिखे हैं। दो? अच्छा, दिखाओ मुझे भी, दिखाओ। पहला लिखा है लिविंग प्लेट नियर द सिंक, टॉवल नॉट ड्राई। मतलब तुमने फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों के लिखे हैं। एंड वैभव, तुम्हें पता है तुम करते क्यों नहीं हो ये? ठीक, आदत की बात है। आई डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स फेस दिस विद देयर हस्बैंड्स। वैभव, व्हाट ही डज इज कि खाना खा लिया, सिंक में प्लेट रखने जाएंगे, सो ही विल नॉट कीप इट इन साइड द सिंक, ही विल कीप ऑन द साइड। एंड आई एम लाइक, वैभव तुम सिंक तक गए थे तो सिंक के अंदर भी रख देते और थोड़ा सा पानी भी डाल देते उस पर। बट ही इज लाइक, प्रेरणा 30 साल की आदत है, एक दिन में नहीं जाएगी। मैंने भी यही लिखा था, लीविंग यूटेंसिल्स ऑन द साइड ऑफ द सिंक। पूरे फुल मार्क्स। ओके, तुम्हारे वन। अब मुझसे क्वेश्चन पूछो। चलो, अच्छा सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मैं ऐसा कुछ करती हूँ जो तुम्हें अनॉय करता है? हाँ। दैट इज अब्यूज। ओके, रोज ही होता है। वैभव ऐसा क्या है? ओके ओके, मुझे याद आ गया, अभी लिखती हूँ, तुम भी लिखो। बताओ। सो मैंने लिखा है लेट टू द डाइनिंग टेबल, क्योंकि रोज सुबह वैभव मेक्स ब्रेकफास्ट एंड वैभव इज ऑलवेज लाइक, प्रेरणा बन गया है, बन गया है, तुम आ क्यों नहीं रही हो? एंड आई एम ऑलवेज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल, कभी मैं पूजा कर रही होंगी, कभी नहा रही होंगी। सो आई थिंक दैट अनॉइज यू। व्हाट हैव यू रिटन? मैंने भी ये लिखा है, और ये सब घर का ही नहीं है, बाहर का भी है। फूड रेडी नो कम। तो दोनों के एक एक पॉइंट। आई होप इसके बाद हम दोनों ये नहीं करेंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता, देखते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछू। हम, वट इज द मोस्ट एडोरेबल थिंग? अभी मैंने अनॉइंग पूछा था, बताओ वट इज द मोस्ट एडोरेबल थिंग जो तुम करते हो। एंड इट, आई मीन, इट जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। समझ आ गया मुझे। बताओ। हाँ, वो रनिंग करने वाला। मैंने यही लिखा था। मैंने लिखा है हिज स्मॉल पाउच दैट ही वेयर्स वाइल साइकिलिंग। सो वैभव हैज अ स्मॉल रिस्ट वॉलेट जो यहाँ बांध सकते हैं, एंड उसमें कीज चली जाती हैं, फोन भी चला जाता है, काफी छोटा है बेसिकली। एंड वैभव उसको हमेशा बांध के साइकिलिंग करने जाता है, मुझे इतना अच्छा लगता है वो पाउच। आई एम लाइक, ओके अब तुम बताओ। सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए। वैभव तुम मेरे क्वेश्चंस नहीं, कॉपी कर। ये मैंने सोचे हुए थे, तुमने भी पूछ लिया तो मैंने पूछ लिया। मैं दो क्वेश्चन के बाद पूछता तो लगता कि ये पहले भी आ सकता था। अच्छा, मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। नहीं, फिर सोच के बताओ, मेरे तो दो पॉइंट हो गए हैं, मुझे थोड़ी सोचना है। कि मैं अच्छा खाना देखकर खुश हो जाती हूँ? नहीं, कितने पॉइंट हो गए? मैं पहले ये क्लियरली बता। हार गई, मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ क्या तो है? मेरे कितने पॉइंट हैं? तुम्हारे 2, मेरे 1। बताओ क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, उससे पहले प्रेरणा घर पूरा क्लीन करके, मतलब हम साफ कर देते हैं, तो प्रेरणा की आदत है कि जाने से पहले कहीं घर को पूरा ऑर्गेनाइज करके जाओ। तो वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब, मतलब जब वापस आते हैं तो घर पूरा साफ मिलता है और पूरा अच्छा मिलता है,
तो ये मैं पहले नहीं करता था, तो मैंने प्रेरणा की ही हैबिट ली। वैभव तुमने एक बार भी मुझे इस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं करा है, मैं पहली बार सुन रही हूँ। ओके आई एम फ्लैटर्ड बट दिस इज नॉट हाउ आई वांटेड टू हियर इट। ओके ठीक है तुम्हारे टू, इसके लिए मैं एक गोली खा लूंगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम ऐसा क्या बनाते हो जो मेरा फेवरेट है, लाइक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू प्रिपेयर व्हिच डिश इज माय फेवरेट, लिखो। मैंने दो आंसर लिख दिए। ओके दिखाओ कैमरे में, दिखाओ क्या लिखा है तुमने, वैसे दिखाओ मुझे भी दिखाओ। स्पगेटी पास्ता और पैनकेक। आधा सही है मैंने लिखा है, सो आई हैव रिटन कीमा पाव एंड पास्ता। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मेरी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरे हिसाब से तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फेवरेट हॉबी क्या है? काम करना, तुम सारे टाइम काम ही करते रहते हो ऑफिस का। हाँ मतलब काम करने के अलावा, काम करने के अलावा तुम बाहुबली देखते हो। उसके अलावा तुम खाना बनाते हो कभी कभी। और मैं कौन सी एक्टिविटीज एंजॉय करता हूँ? ड्राइविंग तुम डेफिनेटली एंजॉय नहीं करते। मुझे क्लियरली लग रहा है कि मैं हारूंगी। नहीं पता, चलो मैं कुछ लिखती हूँ, तुम भी कुछ लिखो। ठीक है मैं दो आंसर लिखता हूँ, दोनों में से अगर तुमने कोई भी बता दिया तो पॉइंट मिल जाएगा। ओके बताओ तुमने क्या लिखा है, दिखाओ। मैंने लिखा है टेनिस और रीडिंग। मैंने लिखा है लिसनिंग टू पॉडकास्ट। हाँ वो भी हॉबी है बट वो तो टाइम यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा है कि कभी काम करते करते और ऐसे। तो इसमें भी जीरो मुझे। कितने हुए स्कोर? 3-1 तो मैं तो जीत गया वैसे ही। अभी दो क्वेश्चंस और हैं, थैंक्स मेरे चैनल पे आकर मुझे हराने के लिए। ओके मेरे पास तो टफ क्वेश्चंस भी नहीं है, अब मैं भी यही पूछती हूँ, मैं भी ऐसे ही घुमाने वाले क्वेश्चंस पूछूंगी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरी फेवरेट हॉबी कौन सी है। तुम मेरा क्वेश्चन मत कॉपी करो, मैंने पहले से लिखे हुए थे। तुमने स्टार्टिंग के दो मेरे कॉपी करे हैं। हाँ चलो बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग वेब ऑफ मेरी कौन सी हॉबी है फेवरेट? सुबह उठ के टीवी पे गाने चलाना। डेफिनेटली नॉट, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, चलो आंसर लिखो। और ये मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये मेरी फेवरेट हॉबी है। क्या लिखा है दिखाओ। लाइंग डाउन एंड वॉचिंग द सीलिंग। सीरियसली मैंने जब से ये YouTube चैनल शुरू किया मैंने एक दिन भी ये नहीं किया है, जस्ट लाइंग डाउन एंड वॉचिंग द सीलिंग। मैंने लिखा है क्लीनिंग एंड यू नो हाउ मच आई एंजॉय क्लीनिंग। ये तुम्हारे जीरो मेरे वन। इसमें कहाँ से वन, अभी थोड़ी अभी तुमने, तुम मेरे जीरो तो ठीक है, तुम्हारा वन कहाँ से आ गया? ओके तुम्हारे तो जीरो है। ठीक है ठीक है मेरा क्वेश्चन आएगा ना। अच्छा तुमने ऐसे दो ब्रांड्स का नाम बताना है जिनसे तुम पहले शॉपिंग नहीं करते थे और मैंने मतलब तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया उसके बाद तुमने शॉपिंग शुरू कर दी। एक तो मुझे पक्का पता है डीकैथलन। ये लड़कों का ब्रांड तुम ही चाहते थे, तुम्हारे लिए तो मंदिर है डीकैथलन। और शायद क्लार्क्स। मेरे मन हो गए ये। ओके सो तुम्हारे अभी 3 हैं और मेरे 2 हैं। ठीक है अब मैं पूछूं क्वेश्चन, मेरा फेवरेट सिंगर कौन है? दो आंसर लिखता हूं मैं दोनों में। नहीं वैभव एक ही लिखना है, मेरा फेवरेट सिंगर कौन है? दो आंसर लिख सकते हैं? नहीं सिंगर नहीं तो बहुत सारे होते हैं ना। वैभव एक ही लिखना है। अच्छा चलो ठीक है लिख लो दो। अरिजीत सिंह। हो ओके पर मैंने सोनू निगम लिखा है। मुझे भी लगा था सोनू निगम या अरिजीत सिंह क्योंकि प्रेरणा इन्हीं के गाने ज्यादा सुनती है। वैभव मैं तुम्हें मैंने बताया मुझे गाने में कोई सिंगिंग समझ नहीं आती, मैं लिरिक्स के लिए गाने सुनती हूँ। तो सोनू निगम कैसे समझ में आ गया फिर? मुझे आवाज अच्छी लगती है। लेट्स गो। ठीक है चलो अब तुम पूछो, मैं तुम्हें वन दे रही हूँ। अच्छा अब ये बताओ कि जो तुम लंच बनाते हो उसमें मेरा सबसे फेवरेट आइटम क्या है लंच में?
तो बहुत इजी है, बता दो ऐसे फिर। लोबिया राइस। हाँ दो आइटम और हैं। दो और हैं, चिकपी सैलेड और एक लास्ट। चलो उसको पॉइंट्स तो फुल ले लो तुम मेरे। लास्ट है वो येलो वाली दाल, लंगर वाली दाल। ठीक है मैं तुम्हें यही खिलाऊंगी शाम को। तुम्हारे 4 हो गए और मेरे 3 हो गए। ठीक है वैभव हैज वन दिस गेम बाय 1 पॉइंट। कोई बात नहीं अगली बार। व्हाट हाउ डिड यू आई मीन हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू वैभव? आई नो यू आर नॉट यूज्ड टू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ऑल दैट, सो आई मीन तुम्हें क्या लगा? नहीं मतलब मुझे लगा कि ऐसा तो कुछ मुश्किल नहीं था, बाकी बहुत आसानी से मैं जीत भी गया तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से प्रिपेयर हो के आता हूँ। नेक्स्ट टाइम आओगे तुम? कोशिश करते हैं। एक महीना पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था रियलाइजिंग ही इज द वन, तो उसमें मैंने शेयर करा था दैट मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट आई वांट टू मैरी दिस गाय। सो उस पर मुझे टॉप कमेंट आया था दैट वी वुड लाइक टू हियर वैभव साइड ऑफ द स्टोरी, सो वुड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, मे बी शेयर अ लिटिल बिट इफ यू आर कंफर्टेबल? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्टैंडर्ड आंसर है इसका, बट मतलब मेरे लिए तो मेरे लिए ऐसा कोई जरूरी भी नहीं था उस टाइम पर। ऐसा भी नहीं था कि आई वाज लुकिंग टू, वर यू लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो इनफैक्ट अपने काम में ही बिजी था और बहुत ही हेक्टिक भी था मेरा काम भी उस टाइम पर। बट एक चीज़ जो मेरे एक फ्रेंड ने बोली थी जो मुझे लगता था कि इट इज़ वेरी वाइज इज कि whomever you like spend time with और जिसको भी आप सीरियसली कंसिडर करो फॉर सेटलिंग डाउन, दैट पर्सन शुड एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैड इन माइंड कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यू आर विद समवन एंड देन। बट हाउ डू यू आई मीन हाउ डू यू ग्रास्प दीज थिंग्स? अगर ऐसा होता है कि अगर आप बिल्कुल ही हर जगह ही आप एक्ट कर रहे हो और हर जगह ही आप फेक कर रहे हो तो शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब फेक करते हो, आप कब फेक नहीं करते हो। लेकिन अगर आप थोड़े भी टाइम अगर आप ऑनेस्ट अपने आप से रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि देखो मतलब ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेस है। अगर कोई आपकी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट कर रहा है चाहे आपके करियर में हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो तो आपको ये पता चल जाता है हाँ देखो ये मेरे को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्चुअली में मेरी स्ट्रेंथ भी यही है तो उसमें कोई, और या जो मेरी वीकनेस है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। हाँ आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई इतना कंफर्टेबल कर दे कि आप ग्रो ना कर पाओ, तो दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको ये भी लगे कि साथ में कि हाँ किसी के साथ अगर मैं रहूँगा तो ग्रो भी करूँगा। तो आई थिंक यही दो चीज़ें हैं जो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है तो फिर गुड इनफ है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये कोई ऐसा परफेक्ट चॉइस है, ऐसा कुछ होता है। आपको हार्डवर्क करना होता है चाहे कहीं पे भी हो, बाकी तो फिर आप धीरे धीरे फिगर आउट कर लेते हो। ओके थैंक्स वैभव फॉर शेयरिंग योर सेल्फ, दीज थिंग्स डोंट कम नेचुरली टू हिम, सो आई एम ग्लैड यू कुड डू दिस एंड आई एम नॉट रियली श्योर हाउ दिस वीडियो टर्नड आउट, बट आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे ज़रूर बताना। Oh.